ये हम लिट्टी चोखा बनाने जा रहे हैं। ये मैंने गैस चालू कर दिया, तवे पे इसको टमाटर को रख दिया। अब आप देखेंगे इसका छिलका इस तरह से उतरना शुरू हो गया है, थोड़ी देर में ये पूरा छिलका उतर जाएगा अपने आप ही। आप चाहे तो उसको गैस पर भी रख सकते हैं। ये मैंने भट्टे को भी इस तरह से रख दिया है, 2 मिनट में ये छिलका उतर जाएगा। मैंने भट्टे पे थोड़ा सा तेल लगा दिया था। कितना अच्छे से गल गया है कि छिलका अपने आप ही निकल रहा है। अब इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे और एकदम से छिलका निकल आएगा। बैंगन को मैंने छील लिया और मैंने टमाटर को छील के इसमें डाल दिया, अदरक भी कद्दूकस करके डाल दिया, हरा मिर्च भी डाल दिया, हरा धनिया भी डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, इसमें और कुछ नहीं जाएगा। और मैंने एक बड़ा आलू उबाल कर छील कर उसको भी डाल दिया। अब मैं इसको इसमें 1 चम्मच चाहे तो आप शुद्ध घी डालें, तेल डालें, जो भी आप खाते हैं वो डाल दें। अब हमारी ये सब्जी तैयार है, पर मैं इसको फिर भी थोड़ा सा गर्म करूँगी। अब मैं इसको चम्मच से चाहे तो आप पाव भाजी के सांचे से इसको घुमाएंगे दबाएंगे और हमारा चोखा तैयार हो गया। ये मैंने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया, ये नमक स्वाद अनुसार, इसमें आप चाहो तो अजवाइन भी डाल सकते हो, जीरा भी डाल सकते हो। ये मैं चुटकी मीठा सोडा डालूंगी, इससे ये थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। इसमें मैं डालूंगी शुद्ध घी 2 चम्मच ताकि इसका मोयन अच्छा होगा तो ये बाटी अच्छी बनेगी, खाने में भी टेस्ट आएगा। और हम इसका सूखा डोर बनाएंगे। आप चाहें तो कंडे कढ़ाई में रख के या कोयले कढ़ाई में रख के और उसमें इस बाटी को बना सकते हैं। आटा इस तरह से सख्त होना चाहिए। ये मैंने अयोध्या में खाया था पहली बार, मैंने कभी खाया नहीं था। वहाँ पे जगह जगह पे यही लिखा था कि जिसने चोखा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा कि टेस्ट करके देखें, फिर मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने कहा कि आपको बता के शेयर करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। 1 चम्मच मैंने लहसुन, अमचूर और मूंगफली डालकर मैंने इसकी चटनी बना के रखी है, ये मैं पराठों में काम आती है। 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया और 1 कटोरी मैंने चने पीस के पाउडर बना लिया। नमक स्वाद अनुसार, जरा सा पानी डालूंगी बाइंडिंग के लिए, प्याज, हरा धनिया, हरा मिर्ची डालूंगी, ऑप्शन है, अदरक वगैरह डालें, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इस कचौरी जैसे बनाएंगे। हमने इसके इस तरह से पेड़े बना लिए। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ओवन में बना सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से कचौरी जैसे करेंगे और खूब सारा अंदर इसको भरेंगे ताकि इसका ही टेस्ट आए। इसमें आप चाहें तो अचार का भी मसाला डाल सकते हैं और उसको गोल गोल इस तरह से। अब मैं इसको अप्पे के सांचे में बनाऊंगी, मेरे हिसाब से उसमें बहुत अच्छे बनते हैं और अब आपकी इच्छा है। इसमें हम शुद्ध घी से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे सारी। अब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। गैस चालू कर दिया, धीमी आंच कर दिया, अभी मैंने इसमें मैं शुद्ध घी डालूंगी। आप साइज छोटा बड़ा खुद कर सकते हैं और ये थोड़ा जल जाएगा ना तो ज्यादा टेस्ट आएगा।
इसको हम पलटाते रहेंगे। अब इसको हम तवे पे भी बना सकते हैं और हम इसको ढक्कन लगा देंगे। आप चाहे तो इस तरह से चम्मच से, चाहे तो इससे, जिससे भी आपके पास सुविधा हो, उसको हम इसको इस तरह से पलटते रहेंगे बार बार और सेकते रहेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाए। कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा, अप्पे के सांचे में कच्चा नहीं रहेगा क्योंकि ये इसमें बढ़िया सा पक जाएगा। इसमें हम थोड़ा घी डालते रहेंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए और कच्चा भी नहीं रहेगा। अभी से इसका कलर कितना सुंदर आ रहा है। और इसको टूटने का भी कोई चांस नहीं। तवे पे भी बना सकते हैं, कढ़ाई पे भी बना सकते हैं, इडली के सांचे भी बना सकते हैं। घी कम ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इस तरह से ढक्कन लगा देंगे। अभी हम आपको उसका ढक्कन उतार के दिखाएंगे। वाओ, कितना अच्छा कलर आ गया है। कोई कह सकता है कि हमने इसको अप्पे के सांचे में बनाया है? ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमने इसको अंगीठी पे बनाया है। इसको इस तरह से घुमाते रहेंगे ताकि कहीं से भी कच्चा नहीं लगे और खाने में और स्वाद बना दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।